So hello and welcome to all of you to Mission UPSC. This is me, Vikram Singh Yadavanshi, taking your NCERT Geography classes. This is our last chapter in NCERT Geography 6th class. So we are going to do 6th class ke NCERT ka 8th chapter. Okay? And the rest of you all know that we will do a revision of this book later. Okay? I will put it in summaries for you. Part 1, Part 2. Mein. समरीज भी डाल दूंगा 6th क्लास की, तो आप लोग जब भी इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो पूरा आपको नहीं देखना पड़ेगा, आप लोग केवल उसको रिवाइज कर लीजिए. पर ये क्लासेस क्योंकि डिटेल में है, इनको देखने के बाद उनको रिवाइज करेंगे तो ही आपके लिए बढ़िया तरीके से चीजें बन पाएंगी. सो गाइस लेट अस स्टार्ट. लेट मी चेक. ठीक है, एवरीथिंग इज ओके. ठीक है, तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं हमारे इंडियन क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में. इंडियन क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे. हमने लास्ट चैप्टर में इंडिया के फिजिकल फीचर्स, पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में पढ़ लिया था. ठीक है, अब हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, वेजिटेशन के बारे में जानेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे. इंडिया के जब मैं क्लाइमेट की बात करता हूँ, मैं आपको हमेशा हर शब्द का मतलब बताने की कोशिश करता हूँ. तो क्लाइमेट का मतलब क्या है? देखिए क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट किसी भी जगह का जो वातावरण होता है, ठीक है, उस चीज को हम क्लाइमेट कहते हैं वहां का. और क्लाइमेट जो है एक परमानेंट फिनोमेना है. परमानेंट है, परमानेंट क्यों है? क्योंकि परमानेंट फिनोमेना इसलिए, जब हम कहते हैं कि किसी जगह क्लाइमेट, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स वेदर. वेदर जो आज कल में होता है कि आज पानी गिर गया, कल धूप निकल आई, इसको हम वहां के टेम्परेरी वेदर कहेंगे. जो ये फिनोमेना है जो आजकल में होती रहती है, डे टू डे चेंजेस जो होते हैं, उसको हम वहां का वेदर कहते हैं. पर क्लाइमेट जो होता है, जो वहां कई बरसों से, कई सालों से, मिनिमम 25 ईयर्स से जो देखा जा रहा है, उसे वहां का क्लाइमेट कहेंगे. क्लाइमेट इज अ परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म थिंग. ठीक है, तो हमें याद रखना है. जैसे कि कोई बोले, अगर हम हमारे टेम्परेचर की बातें करेंगे कि हमारा टेम्परेचर किस टाइप का है, तो हम ये बात करेंगे कि भाई हमारा जो टेम्परेचर है इंडिया का, वो इतना रहता है और कई ईयर्स से वी कैन सी कि हमारे कई ईयर से इतना ही हमारा टेम्परेचर यहाँ पर बना रहता है, टेम्परेचर रहता है. क्लाइमेट की बात करेंगे तो वहां हम बोलेंगे कि यहाँ का क्लाइमेट मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है इंडिया का. मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है? क्योंकि यहाँ हमेशा ऐसी विंड्स बनी रहती हैं कि यहाँ का क्लाइमेट इस तरीके का क्लाइमेट कहलाता है. ठीक है, क्लाइमेट के बहुत सारे रीजंस होते हैं. वहां का लोकेशन होती है, किस तरीके से लोकेशन है. जैसे आपने देखा होगा कि लोकेशन के जो रीजन होते हैं कि अगर हमारा ये वर्ल्ड है तो इंडिया कहाँ पर है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से इक्वेटर निकलती है, उसी के हिसाब से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, ये जो रेखाएं हैं जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी 23.5 डिग्री वाली, ये कहाँ से निकलती हैं, तो इनके इम्पैक्ट क्या रहते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा सीधे सीधे जो है बिल्कुल बीच में से निकलता है इंडिया के लगभग लगभग, तो इसकी इंपॉर्टेंस रहती है. उसी कारण क्लाइमेट में जो है हमारे परमानेंसी आती है और जो चेंजेस है उसी के कारण आते हैं. ठीक है, तो क्लाइमेट इज अ वेरी परमानेंट थिंग. ठीक है, क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, लेकिन कई ईयर्स में चेंजेस आते हैं. और जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, कभी बादल है, कभी बारिश हो गई, उसे हम वेदर कहते हैं. ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ. वेजिटेशन की मैं आपसे बात करूं, तो वेजिटेशन को यहाँ पर मैं आपको अगर नॉर्मल शॉर्ट भाषा में समझाऊं, तो हमारे जो वेजिटेशन है, हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारे जो ट्रीज हैं, ठीक है, जो शर्ब्स हैं, जो भी नेचुरली उगते हैं, उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. ठीक है, मतलब हरे पेड़ पौधे, जो हमारा फ्लोरा होता है हमारा पूरा, ठीक है, उसको हम वेजिटेशन हमारा कहते हैं, जिसमें पूरी तरीके से आप ये देख पाएंगे कि वेजिटेशन जो लिया जाता है, जिसके अंदर जंगल भी आ जाते हैं, फॉरेस्ट आ जाते हैं, अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट आ जाते हैं, जो कि नेचुरली बिल्ड होते हैं. इनको आपने और हमने बीज लगा के नहीं उगाया है. ठीक है, ये नेचुरली ऑकर हो गए हैं. ठीक है, अपनी नेचुरल फिनोमेना कारण इस वेजिटेशन को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. एंड वाइल्ड लाइफ, यू नो, फॉरेस्ट के अंदर जो वाइल्ड लाइफ रहती है, वाइल्ड मीन्स जंगली, जो जंगली लाइफ रहती है वहां पर, जो वहां पर जानवर पाए जाते हैं, शेर, चीता, भालू जो आपके हैं, ये सबको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं. कहाँ पर कैसी है ये हम बात करेंगे. ठीक है, तो आगे हम चलते हैं. तो वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इसमें सबसे पहले वेदर की, इस पैराग्राफ में अगर हम बात करें तो इस पैराग्राफ में बोला गया है, इस पूरे पैराग्राफ में, कि वेदर इज अ डे टू डे फिनोमेना. ठीक है, डे टू डे चेंज होते हैं. क्या होता है? इंक्लूड करता है ये टेम्परेचर. टेम्परेचर सुबह ज्यादा हो गया, रात को कम हो गया, ये वेदर चेंजेस के कारण हो रहा है. रेनफॉल, सनशाइन, ये सब जो है, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ जो है, हॉट हो गया, कोल्ड हो गया, शाइनी हो गया, कभी बादल है, कभी कम है,
विंडी है, ठीक है, कभी काम सीजन है, तो ये जो है ये वेदर होता है, दिस इज टेम्परेरी, सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, ठीक है, दिस इज द रीजन बिहाइंड द चेंजिंग वेदर, ठीक है, इट्स अ चेंजिंग फिनोमेना जो कि शॉर्ट पीरियड में होती रहती है रोजाना के तौर पे, ठीक है। आगे हम सीजन्स की बात करें, हमारे सीजन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो सीजन्स की बात करें तो आपको ये पता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारे सीजन्स होते हैं वो अर्थ की पोजिशंस के कारण होते हैं, ठीक है, ये आपको गाइस पता था, ठीक है, ये एक बार आपको याद दिला दूं, ये एक पोजीशन मैंने आपको बताई थी, एक पोजीशन ये थी, एक पोजीशन ये थी, ठीक है, एक पोजीशन ये थी, ठीक है, और आप ये जानते थे यहाँ नॉर्थ साउथ थे, ठीक है, यहाँ पर साउथ था, यहाँ नॉर्थ था, यहाँ पर सन था, तो सन के जो पास पोल रहेगा उस तरफ गर्मी पड़ेगी, तो इस समय यहाँ समर होता है, और समर में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनरेज आती हैं, इसलिए यहाँ पर समर होता है, तो एक हमारा सीजन जो है ये जून के टाइम पे होता है, आपको पता ही है, विंटर सोलस्टिस, सॉरी समर सोलस्टिस भी होता था, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो हमारा जो समर है हॉट वेदर होता है, मार्च से मई के बीच में होता है, आपको पता ही है ये वाला जो सेक्टर है ये मार्च से मई के बीच में यहाँ पर समर्स होते हैं। अब ये दिसंबर की हम बात करें, दिसंबर की पोजिशन में साउथ जो सदर्न हेमिस्फियर है वो सन के ज्यादा करीब होता है, नदन दूर होता है, तो नदन हेमिस्फियर में उस समय विंटर होते हैं दिसंबर के टाइम पर, तो ये हमारा दिसंबर टू फरवरी का जो पीरियड है, ये जो पीरियड है ये पूरा का पूरा ठंड का पीरियड हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ये जो हमारा पीरियड है ये हमारा का पूरा ठंड का पीरियड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मार्च आता है तो यहाँ पर दिसंबर जनवरी और फरवरी ये हमारा ठंड का पीरियड हो जाएगा, यहाँ कहीं से शुरू हो जाती है ठंड पूरा, ये वाला जो पीरियड आएगा आपका ये ठंड का, तो ये एक सीजन हो गया, ये बता रहे हैं। फिर साउथ वेस्ट मानसून का सीजन आपको बताया गया, साउथ वेस्ट मानसून जो है जून टू सितंबर रहता है, ये मैं आपको फिनोमेना थोड़ी सी यहाँ पर समझा दूँ, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून इसलिए ये बोला जाता है कि साउथ वेस्ट की विंड्स आती हैं साउथ वेस्ट से हमारी, ठीक है, ये जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, तो यहां से ये जो अरेबियन सी है यहां से हमारी विंड्स चलना शुरू होती है, ठीक है, यहां से ये बे ऑफ बंगाल से भी पानी उठाती है, ये विंड्स चलती है यहाँ पर, ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट से, ये साउथ है और वेस्ट साइड से चलती हैं, इसलिए इस पोजीशन को, ये साउथ वेस्ट पोजीशन है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं यहां से पूरी विंड्स चलती हैं और ये मॉइस्चर कैप्चर करती हैं ओशियन से, अरेबियन सी से उठाया, कुछ इंडियन ओशियन से उठाती हैं, बे ऑफ बंगाल से उठाती हैं, और हमारे पूरे इंडिया पे लगभग लगभग ये बारिश करती हैं, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है हमारा रेनी सीजन आता है जून टू सितंबर में, तो ये साउथ वेस्ट मानसून का मतलब यहाँ पर यही है कि साउथ वेस्ट मानसून में जो हमारी सीजनल विंड्स आती हैं, ठीक है, जो हमारे विंड्स हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं वो पानी उठाती हैं और बारिश करती हैं, ठीक है, यह जाता है। फोर्थ हमारा जो मौसम है वो ऑटम है, ऑटम अक्टूबर से नवंबर तक आता है, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून बोलते हैं, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून क्या होता है, जब हमारी विंड्स हैं जो यहाँ पर पानी लेकर यहाँ तक गई हैं, जब ये वापस सिंपल भाषा में आप समझें तो ये वापस आ रही है, ठीक है, रिट्रीट कर रही है, जब ये वापस आना शुरू होती है, जैसे यहां से लेकर यहां तक गई, ठीक है ना, ये यहां से लेकर यहां पर गई हुई है, जब यहां से लेकर यहां गई हैं तो ये जब वापस आती हैं अपना सीजन एंड होने पर, तो जब वापस आती हैं तो जो तमिलनाडु का आपको एक कोस्ट दिखाई देता है, ठीक है, तमिलनाडु वाला जो एरिया, तमिलनाडु केरला वाला जो एरिया आपको पट्टे दिखता है, यहाँ पर ये बहुत रेनफॉल देती है, ठीक है, तमिलनाडु में और केरला में, केरला में, ठीक है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर रेनफॉल देती है, तो ये सीजन ऑटम का होता है, रिट्रीटिंग मानसून इसी को कहा जाता है, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर के टाइम होता है। कोल्ड सीजन में फिर इन्हें क्या बताया गया है, ये वही चीज जो मैंने आपको बताई है, ये जो पोजीशन बनती है यहाँ पर ये यही बता रही है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये आपका समर वाला है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये क्या बोल रहे, ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द सीजन, ठीक है, जो है विंटर सीजन में यहाँ पर आप देखेंगे तो डायरेक्टली जो है सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं पड़ता, कहाँ पड़ रहा होता है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, ठीक है, कैप्रिकॉन पे पड़ रहा होता है ये, तो उस समय हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है, इसी के कारण हमारा टेम्परेचर यहाँ डाउन रहता है और नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ पर ठंड आती है। अब हॉट वेदर की बात करी जाए, हॉट वेदर में ये बता रहा है कि जो वेदर है सीजन है डायरेक्टली इस पोजिशन की बात कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनरेज पड़ती है, तो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब ये सनरेज पड़ती है तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो सनरेज होती है वो जाती है और जो डायरेक्ट फॉल होता है इस रीजन में, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है सनरेज के कारण,
और यहाँ पर हॉट और ड्राई विंड्स चलती हैं, ठीक है। गर्मी रहेगी, वो जो विंड्स रहेंगी वो ड्राई रहेंगी बिल्कुल, ठीक है, मॉइस्चर नहीं रहेगा उनमें, उनको हम लू कहते हैं, ठीक है, लू कहा जाता है उन विंड्स को। ध्यान रखिएगा, ये आपने सुना होगा, लू जो रहती है बहुत ही हॉट और ड्राई होती है, ये हमारे अंदर से बॉडी से मॉइस्चर खींच लेती है, उसी के कारण कई बार फेंटनेस आती है, हमारी तबीयत खराब होती है, डिहाइड्रेट कर देती है बॉडी को लू, ठीक है। तो समर सीजन में ये होता है। आगे हम चलते हैं, ये तो ऐसे ही नॉर्मल बच्चों वाले एक्सरसाइज बताई गई है, तो आपको ध्यान देने जरूरत नहीं है। फोर्थ सीजन पे हम थर्ड सीजन में चलते हैं, रेनी सीजन की बात कर रहे हैं। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट ऑफ मानसून। ऑनसेट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट ऑफ मानसून की बात कर रहे हैं, एडवांस ऑफ मानसून की स्टार्ट, यहां से स्टार्ट होता है रेनी सीजन में जब ये मानसून, तो ये क्या करता है, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अरेबियन सी से पानी उठाता है और लैंड पे ले जाकर पानी गिरा देता है। ये पानी कैसे गिराता है? दे कैरी मॉइस्चर विद देम। जब ये विंड होती है, जब ये माउंटेन बैरियर से, हमारे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन जब ये टकराती हैं, तो रेनफॉल होती है। ये एक तरीका है। देखिए, रेनफॉल जो है हमारे तीन चार टाइप की होती है, तीन मेन टाइप की रेनफॉल होती है, माउंटेन रेनफॉल भी बोलते हैं, माउंटेन रेनफॉल, ओरियोग्राफिक रेनफॉल भी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारी एक फ्रंटल रेनफॉल होती है, ठीक है, एक कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, जो कि मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में जब मैं क्लाइमेट पढ़ाऊंगा आपको 10th 11th क्लास की बुक्स में, तो उसमें मैं आपको ये सब बताऊंगा, ठीक है। अभी आप इतना ही जानिए ताकि आपका बेस हल्का सा बन जाए। तो रेनी सीजन इस तरीके से हो जाता है कि जो हमारी विंड जाती हैं, जाकर पहाड़ से टकरा जाती है, और क्योंकि मॉइस्चर लेडन होती है, मॉइस्चर भरा होता है, पानी भरा होता है हवाओं में, वो नीचे पानी गिरा देती है, ठीक है। फिर उसके बाद रिट्रीटिंग ऑफ मानसून में क्या होता है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। रिट्रीटिंग ऑफ मानसून फ्रेंड मैंने बताया था, रिट्रीट मतलब ये आगे बढ़ी हुई, ये वापस जाना, पीछे को चले जाना, रिट्रीट करना कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑटम का सीजन होता है। यहाँ क्या होता है, विंड्स मूव बैक, ठीक है, फ्रॉम द मेन लैंड, मतलब जो हमारी ये मेन लैंड है, ठीक है, ये ट्राइंगल समझ लीजिए, मेन लैंड है ये, इससे जो ये विंड्स हैं ये वापस जा रही होती है, ये वापस जाएंगी, यहाँ की विंड्स यहाँ वापस जाएंगी, ठीक है। तो ये वापस जा रही होती है, मैंने आपको बताया ये तमिलनाडु का जो कोस्ट है, तमिलनाडु वाला हिस्सा है, यहाँ पर काफी वर्षा करता है, ठीक है। दिस सीजन इज रिट्रीटिंग ऑफ मानसून सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु, यहां पर रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, जब ये बारिश वापस जा रही होती है, इनमें मॉइस्चर होता है, तो वापस जाते जाते भी यहाँ पर बहुत रेन कर देती है, ठीक है। तो साउथ इंडिया में इसके कारण हमें रेनफॉल रिसीव होती है। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं क्लाइमेट के बारे में। इनने जो बात करी थी क्लाइमेट, मैंने आपको पहले बताया था कि क्लाइमेट इज अबाउट एवरेज वेदर कंडीशंस। क्लाइमेट एक लंबी टर्म होती है विच हैज बीन मेजर्ड इन ओवर मेनी इयर्स। क्लाइमेट जो कहीं का निकाला जाता है, वो वहां के 20-25 साल को लगातार देखते हुए कि यहाँ लगातार किस टाइप का क्लाइमेट चल रहा है, उस हिसाब से वहां का क्लाइमेट निकाला जाता है, ठीक है। अगर इंडिया के हम क्लाइमेट की बात करिए तो इंडिया के क्लाइमेट को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला जाता है, ठीक है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला जाता है। और मॉनसून शब्द जो है अरेबिक वर्ड से आया है, आपको ज्यादा बताने जरूरत नहीं, इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कैसे ग्रीक से शुरू होकर रोमन से जाकर अरेबिया तक गया था, तो यहाँ पर क्लियर स्काई होता था, तो यहीं पर इस वर्ड की खोज हुई है मॉनसून। तो मॉनसून अरेबिक वर्ड में जो हमारा होता है मौसम होता है, मौसम का मतलब होता है सीजन, वहीं से मॉनसून वर्ड निकल कर आया, ठीक है। तो अरेबियन वर्ड होता है मौसम, उसी से मॉनसून निकल कर आया, जिसका मतलब होता है सीजन। ड्यू टू द इंडियाज लोकेशन, ठीक है, इंडिया की लोकेशन कहाँ है, ट्रॉपिकल रीजन में है, एज यू ऑल नो, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है उसके ऊपर से, ठीक है ना, तो ट्रॉपिकल रीजन में ही है ये पूरा। ट्रॉपिकल रीजन क्या, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप इसको 30 डिग्री तक भी ले सकते हैं, यहां तक ट्रॉपिकल रीजन होता है हमारा, ठीक है। ट्रॉपिक्स होते हैं, ये ट्रॉपिक्स ही है ना, ये लाइन ट्रॉपिक्स होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो लाइन है, तो ट्रॉपिकल रीजन में हमारा इंडिया फॉल करता है, तो यहाँ पर लोकेशन हमारी इंडिया की ट्रॉपिक्स में है। उसके कारण यहाँ पर क्या है, ह्यूमिडिटी होती है और रेन जो है वर्षा यहाँ पर होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसूनल विंड साउथ वेस्ट। कौन सी विंड्स है हमारे यहाँ जो वर्षा पटकती है ज्यादातर, वो है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर देती है। अब मैं आगे बात करूं कि जब मानसून जिस हिसाब से हमारे यहाँ मानसून होगा, उसके हिसाब से रेन होगी, रेन के हिसाब से हमारा एग्रीकल्चर डिसाइड होता है इंडिया में कि हमारा एग्रीकल्चर कैसा है वहां, ठीक
ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है हमारा इस टोटली डिपेंडेंट, हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरीके से हिंदुस्तान का, इंडिया का जो हमारा वर्षा है वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है कि वहां रेन कैसी हुई थी। रेन पे डिपेंडेंट हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो हमारी है कि हमारे यहाँ कैसा, हमारे किस तरीके की क्रॉप होगी, तो वो डिपेंड करता है पूरी तरीके से हमारी रेन पर। ठीक है, गुड मॉनसून अगर हुआ, बहुत अच्छी वर्षा होगी, तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे क्रॉप हो सकते हैं, बाउंटीफुल क्रॉप्स। बाउंटी मीन्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में प्लेंटीफुल मतलब भरपूर अनाज होगा। ठीक है, भरपूर अनाज होता है। आगे हम बात करते हैं मॉनसून को, हम रिवर्सल ऑफ विंड्स भी कहते हैं। ठीक है, रिवर्सल ऑफ विंड्स जब क्लाइमेट में पढ़ेंगे, जब मैं आपको बता पाऊंगा कि हीटिंग डिफरेंस के कारण जो है, किस तरीके से ओशियंस में हीटिंग डिफरेंस होता है, उसके कारण भी रेनफॉल होती है। पर अभी 6th क्लास के एनसीईआरटी के लेवल से केवल हमें अभी इतना जानना काफी है। इनको हम रिवर्सल ऑफ विंड्स भी बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ विंड्स। ये छोटी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है, ये बोल रहे हैं कि व्हाट वुड हैपन इफ द मॉनसून इज वीक। अगर मॉनसून वीक है तो इनमें से कौन सी चीज होगी, क्रॉप विल बी अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड, यस, हमारी डिपेंडेंट है पूरी तरीके से रेन पर, तो क्रॉप पे तो इफेक्ट आएगा, क्रॉप पे असर होगा। द लेवल ऑफ वाटर इन विच, ठीक है, वेल में वाटर अगर हमारी बरसात कम होगी तो क्या होगा, जी हाँ, जो है वाटर लेवल जो है ग्राउंड का वो कम हो जाएगा, गिर जाएगा। समर जो है ज्यादा लॉन्ग होंगे, गर्मी ज्यादा पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये चीजें होंगी। आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करेंगे तो क्लाइमेट ऑफ प्लेसेस के बारे में बात करेंगे कि क्लाइमेट जो है किसी भी प्लेस का, उस पर किन किन चीजों के इफेक्ट आते हैं, कौन कौन से उसके इफेक्ट करता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था लोकेशन, लोकेशन कहाँ पर वो जगह, वो प्लेस कहाँ पर लोकेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, कि कहाँ पर लोकेशन होगी उसकी। जैसे हमारा इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, ट्रॉपिक्स पर है, तो ट्रॉपिकल रीजन में है, उसके कारण उसके उसके क्लाइमेट पे असर आएगा। ऑल्टीट्यूड, हाइट्स की मैंने आपको बताई, हाइट पे डिपेंड करता है। क्यों, मैंने आपको बताया था कि अगर आप नीचे से लें, सी लेवल से लेना शुरू करेंगे, जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो एक लेवल तक टेम्परेचर गिर जाता है, कि टेम्परेचर जो है डिक्रीज होगा। ऊपर पहाड़ों पे आपको ठंड लगती है, वो रीजन जो बता रहे हैं ये एल्टीट्यूड को, ये चीज बता रहे हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है, जो हवाएं होती हैं, जो विंड्स होती हैं, जो सी टू लैंड जाती है, फिर लैंड टू सी जाती हैं, वो एक रीजन होता है कि किस तरीके से हमारा कितना डिस्टेंस सी से है, तो उसके कारण कितना मॉडरेट होगा वहां का टेम्परेचर और कितना नहीं होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं एक जनरल जानकारी के लिए, कि जहां भी आपको सी मिलेगी, ठीक है, अगर लैंड के बगल से सी लगी हुई, जैसे आपका गोवा है, तमिलनाडु है, और भी आपके जैसे, ठीक है, केरला है, जितनी भी ऐसी जगह है जहां पर सी बहुत करीब होगा, वहां का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, क्योंकि सी जो है वो टेम्परेचर रेगुलेट कर लेती है। उसके फिनोमेना हम बाद में पढ़ेंगे। और रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स आपको पता ही है, उतार चढ़ाव जो होते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे एलिवेशन, मिनिमम और मैक्सिमम जो एलिवेशन होते हैं उनको हम रिलीफ फीचर्स कहते हैं। आई टोल्ड यू अर्लियर, बहुत बार बता चुका हूँ। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट, ठीक है, इसी कारण हमको रीजनल की हर रीजन में अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिल जाते हैं। ये क्यों होता है, ये देखा जाता है। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करें तो क्लाइमेट में जैसलमेर और बीकानेर की बात करी जाए, जहां डेजर्ट है वहां बहुत गर्मी पड़ती है भाई। द्रास की बात करी जाए, उसी से कुछ 1000 किलोमीटर ऊपर की हम बात करें, ठीक है, तो आप कारगिल और जम्मू कश्मीर की बात करें, द्रास और कारगिल जम्मू कश्मीर में जो की है, वहां कितनी ठंडी, वहां कोल्ड डेजर्ट भी है, डेजर्ट भी वहां की कोल्ड है, ठीक है, और वहां बहुत ज्यादा फ्रीजिंग, वहां बर्फ जमी रहती है पूरे समय, ठीक है। और कोस्टल एरियाज की बात कर लें, जहां सी है, यहाँ पर सी का इफेक्ट है, कोलकाता हो गया एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट, मैंने आपको बताया था मॉडरेट क्लाइमेट होता है। ठीक है, कुछ ऐसी जगहें होती हैं, दे आर नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट के बारे में बताया गया। मॉडरेट मतलब ऐसा माइल्ड क्लाइमेट, ना जहां बहुत ज्यादा ठंड होगी, ना बहुत ज्यादा वहां गर्मी होगी, ठीक है, इस क्लाइमेट के बारे में बात करी गई है। फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे कोस्टल एरियाज की, इनने बात करी, जो कोस्टल एरियाज, बींग ऑन द कोस्ट, दीज प्लेसेज आर वेरी ह्यूमिड, ठीक है, किन की बात कर रहा है, इन प्लेसेस मुंबई हो गई हमारी, तमिलनाडु हो गई, केरला हो गई, ये सब जो जगह है कोस्ट पे, तो यहाँ पर चिपचिपाहट, नमी बनी रहती है इन एरियाज में, ठीक है, तो ये रीजन क्या है उसका, सी है। ठीक है, आगे हम बात करें मोहसिन राम की, इसको आप स्पेल कैसे करेंगे, मोहसिन राम, ठीक है, मोहसिन राम इसको स्पेल करेंगे, जो कि मेघालय में है,
यहां पर वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है, क्या होती है, यहां पर वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल देखी जाती है यहां पर। ट्रॉपिक्स में तो वैसे भी रेनफॉल होती है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज जो भी होंगे, जहां भी ट्रॉपिकल एरियाज पे होंगे, हमारा इंडिया ट्रॉपिकल में है, तो रेनफॉल वैसे भी ज्यादा होती है, लेकिन जो हमारा मौसिन राम है वहां मेघालय में, वहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर डिनोट करी जाती है, रजिस्टर करी जाती है, ठीक है। वाइल उसी का उल्टा देख लेंगे, जैसलमेर में राजस्थान में सूखा पड़ता है, रेन ही नहीं होती, ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस बन जाती है किन कारण से, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, लोकेशन, लैटिट्यूड, वो ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस ऑफ द सी, रिलीफ, ये फीचर्स होते हैं जिन कारण ऐसा होता है, ठीक है। द मैप इंडिया लोकेट द प्लेस मेंशन इन द पैराग्राफ, ठीक है। जो प्लेसेस लिखी हुई है कुछ नहीं बोल रहे हैं आपसे, बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो प्लेसेस ये दिख रही हैं, जैसलमेर, बीकानेर, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो इन प्लेसेस को आप मैप में मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं, तो नेचुरल वेजिटेशन की जब हम बात करेंगे तो नेचुरल वेजिटेशन में आप ये देख सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन में आपको ये ही है हमारा पूरा वेजिटेशन, मैं पढ़ते हैं, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो ये छोटी घास से शुरू होकर इतने बड़े ट्री तक जो जाता है, ठीक है, ये है हमारा नेचुरल वेजिटेशन जो नेचुरली उगता है, ठीक है। मतलब 1.5 मीटर की हाइट और भी इससे नीचे जो हाइट की चीजें हैं उससे लेके 60 मीटर के ऊंचे ऊंचे जो हमारे पेड़ होते हैं उनको भी हम नेचुरल वेजिटेशन में गिनते हैं। यंग ट्रीज होते हैं, ये यंग ट्रीज हैं, छोटे हैं यंग ट्रीज। कैनोपी क्या होता है, जो हमारा कवर होता है, ठीक है ना, हाईएस्ट जो हमारी ब्रांचेस होती है ट्रीज की वो कवर बनाती है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जिनको आप कहते हैं छाया दे रही है पूरी ब्रांचेस, तो वो जो पूरा कैनोपी बनाती है, कवर बनाती है पूरा, उसको हम कैनोपीज बोलते हैं, ठीक है, छत्र, कवर जो हमारा बनाती है उनको हम कैनोपीज बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारी श्रब्स। श्रब्स क्या है, श्रब्स जो है अगर आप देखें तो स्मॉल टू मीडियम साइज के जो हमारे प्लांट्स होंगे उनको हम श्रब्स कह देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझ, ये जो देखते हैं ना छोटे श्रब्स क्या होगा, स्मॉल टू छोटे से लेकर एक मीडियम साइज तक के जो प्लांट्स होंगे उनको हम श्रब्स कह देते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम इसको पढ़ते हैं कि वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन द प्लांट लाइफ इन अवर सराउंडिंग्स, ठीक है। आगे ये बोलता है कि हाउ नाइस इट इज टू प्ले अ फील्ड, ठीक है, ये सब तो बातें कुछ जानने की नहीं है। ये आगे बता रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे बुशेज होते हैं, शर्ब्स होते हैं, मैंने आपको बताया, कैक्टस जो है डेजर्ट में उगते हैं, आपको पता ही होगा जो कांटेदार पेड़ होता है हमारा, ठीक है, कांटे लगे रहते हैं उसपे, वो कैक्टस होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये सभी हमारा जो है वेजिटेशन में आता है, ठीक है। बिसाइड्स दिस जो ब्रांचेस होती है उनकी, नीम की ब्रांचेस, मैंगो जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं उनकी ब्रांचेस होती है, पाम्स होते हैं, उनसे कैनोपी बनती है, ठीक है, ये बात हो गई। ग्रासेस, शर्ब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस, जो किसी भी, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, जब किसी भी बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के, मतलब इंसान ने उसमें कुछ नहीं किया है, ठीक है ना, ना उसने बीज डाला है, ना पानी डाला है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, जब बिना किसी हस्तक्षेप के ये पेड़ पौधे उगते हैं तो इसको नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, बिल्कुल सही। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या है, जैसे आप फॉरेस्ट को कंसिडर कर लीजिए, तो जहां जैसा पानी गिरता है, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, जहां पानी गिरता है वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, थोड़ा और कम पानी गिरता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें आता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, ट्रॉपिक एरिया में, वहां रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। टेम्परेट एरिया में जाएंगे जो ऊपर का होता है वहां इतने ज्यादा घने पेड़ पौधे फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे आपको जितने आपको ट्रॉपिकल एरियाज में मिल जाते हैं। तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल पे बहुत डिपेंड करता है ये कि कैसा वेजिटेशन होगा वहां का, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ड्यू टू वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया हैज वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। आपने देखा हो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अलग, कहीं पर बहुत हॉट है वहां कैक्टस वगैरह उग जाते हैं, कहीं पर बहुत रेन होती है तो वहां पर हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वेजिटेशन को अगर डिवाइड किया जाए 5, उसमें जब हम फॉरेस्ट पढ़ेंगे 11th क्लास में तो पूरा डिटेल में देखेंगे कि कौन से पेड़ मिलते हैं, क्या होता है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, हॉर्नी बुशेस, ये जो होते हैं हमारे कैक्टस वगैरह होते हैं डेजर्ट के, जो हमारे बुशेस होते हैं उनको हम वहां पर थॉर्नी बुशेस कहते हैं, ठीक है ना, कांटे वाली, जो कांटे वाले पेड़ होते हैं थॉर्नी बुशेस।
माउंटेन वेजिटेशन जो पहाड़ों पे उगता है, हमारे ये पहाड़ों पे आपको दिख रहा है, पहाड़ों पे उगा हुआ वेजिटेशन जो ऑल्टीट्यूड पे होता है एक, उसको हम माउंटेन वेजिटेशन कहते हैं। और मैनग्रोव्स, मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है ना, ये गाइस ज्यादातर हमारे डेल्टास पे फॉर्म होते हैं। मैं आपको बताऊंगा सुंदरबन डेल्टा पे सबसे ज्यादा मैनग्रोव्स हैं हमारे, ठीक है। वेजिटेशन होता है जो कि पानी या दलदली, एक जो स्वाम्पी रीजन होता है, ठीक है, दलदली स्वाम्पी को समझ जाइए, दलदली एक जो मौसम होता है वहां पर, दलदली क्लाइमेट होता है, नीचे दलदल टाइप का होता है, वहां पर ये होते हैं, खासकर ओशियन कोस्ट पे, सी कोस्ट पे, ठीक है। जो कोस्टल एरिया होता है वहां पर ये आपको देखने को मिलेंगे, कहां साइड में जहां सी होता उनके और लैंड की बाउंड्रीज पे ये आपको देखना है, ये लैंड है ये सी है, इनकी बाउंड्रीज पे उग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मैनग्रोव्स हो गए। चलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारा क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑकर इन द एरिया विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जहां बहुत हैवी रेनफॉल होगी वहीं पर ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। डेंसिटी इनकी इतनी ज्यादा हो जाती है, इतने घने हो जाते हैं कि यहाँ धूप तक, ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। सनलाइट डज नॉट रीच इज द ग्राउंड। मेनी स्पीशीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर जंगल, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने देखा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर जो जंगल है, यहाँ का जो जंगल है बहुत ही डेंस है, ठीक है। और जहां पर डेंसिटी बहुत होगी जंगल की, वहां पर आप देख पाएंगे कि जंगली जानवर भी बहुत ज्यादा होंगे। एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आगे हम जब वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे तो उसमें और समझेंगे किस किस टाइप के स्पीशीज कहाँ होते हैं। तो यहाँ पर बहुत स्पीशीज पाए जाते हैं ट्रीज के, जिसमें कि आप वाइल्ड लाइफ भी बहुत ढूंढ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ भी बहुत यहाँ मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे ट्रीज हैं वो कैनोपी बनाते हैं ऊंची ऊंची, ठीक है, ये यही बोल रहा है। कैनोपी का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। देयरफॉर दे ऑलवेज अपीयर्स ग्रीन, ठीक है, पूरे समय, क्योंकि यहाँ बारिश भी कम नहीं होती, जितनी चाहे बारिश होती है, पेड़ ऊंचे ऊंचे रहते हैं, तो पूरे समय यहाँ ग्रीन दिखाई देते रहते हैं। तो ग्रीन दिखाई देने के कारण ही इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है, जो हमेशा ग्रीन रहे, एवरग्रीन, उन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ट्रीज इसमें कौन से मिल जाते हैं? महोगनी मिल जाता है, एबोनी मिल जाता है, और रेडवुड मिल जाता है। ये याद रखिएगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या मिल जाता है? महोगनी मिल जाता है, एबोनी मिल जाता है, और रेडवुड मिल जाता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर मिल जाते हैं। अंडमान और निकोबार में जो पार्ट है, अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड का पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, और नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। दैट मीन्स ये अगर हमारा इंडिया है, ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं यहाँ पर, ये पता है आपको यहाँ पर, ठीक है। और कहाँ पर ये आपसे बोल रहा है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, और ये वेस्टर्न घाट्स की नैरो स्ट्रिप्स यहाँ, ठीक है। यहाँ दोनों जगहों पर, ये तीनों जगहों पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। ये एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है ये यहाँ पर तीनों जगहों पर मिलते हैं। ये आपको प्लेस बताना चाहता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं, याद रखिएगा ये। फिर हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? कि हमारे डेसिडियस सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में देखा जाए तो डेसिडियस फॉरेस्ट ही है, ठीक है। अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दीस फॉरेस्ट ओनली, ठीक है। डेसिडियस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। दीस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है। इनकी डेंसिटी उतनी घनी नहीं होती, होती तो है पर उतनी नहीं होती जितनी की एवरग्रीन फॉरेस्ट की होती है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? मौसम के हिसाब से अपने पत्ते, जो आपने देखा होगा पतझड़ होता रहता है इनमें, तो ये अपने पत्ते भी छोड़ देते हैं, मतलब ये ब्रांचेस आपको दिख रही है इसमें पत्ते नहीं लगे, ठीक है। आपने सूखे पेड़ देखे होंगे, वही होता है हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट में। शेड देयर लीव्स एट द पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर, ठीक है। इनमें पतझड़ भी होता है। इनके इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन से हैं? साल, टीक, सागौन, सागौन आपने नाम सुना होगा, हमारे एमपी में बहुत होते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे देखा था, पीपल ट्री आपको पता है, नीम ट्री आपको पता है, शीशम जिससे फर्नीचर बनता है, ठीक है, फर्नीचर बनाया जाता है शीशम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी पेड़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये डेसिडियस फॉरेस्ट के ट्रीज हैं जो मिलते हैं। देखिए बताया गया फाउंड इन एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये लगभग लगभग नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको मिल जाते हैं। महाराष्ट्र में भी ये आपको डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ अगर इंडिया में कोई पूछे तो कौन से हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है।
ठीक है। थॉर्नी बुशेस की बात कर ले तो थॉर्नी बुशेस मैंने आपको पहले ही बताया था, कैक्टस है हमारा, ठीक है। कैक्टस में कांटे हैं, ये कहाँ होता है, ड्राई एरिया में मिलता है। ड्राई एरिया कहाँ होगा, वही हमारा राजस्थान वाला एरिया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये एरियाज हमारे थोड़े से ड्राई एरियाज है, ठीक है। कांटेदार पेड़ होते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस द वाटर लॉस। ये क्यों होता है, क्यों रिड्यूस द वाटर लॉस बोल रहे हैं, ठीक है, जिसका हमारे सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है। ये कैक्टस है, ठीक है, कैक्टस है। अब इस पे धूप पड़ रही है, जितना इसका सरफेस एरिया कम होगा तो उसी हिसाब से इनका इवोल्यूशन हुआ है। सरफेस एरिया कम होगा उतने पे ही कम धूप पड़ेगी और उतनी ही मुश्किल से इनके अंदर का जो वाटर रिटेंशन है, ठीक है, वो उतनी आसानी से डिहाइड्रेट नहीं होंगे, इनका पानी इतनी आसानी से नहीं उड़ेगा, क्योंकि इनका सरफेस एरिया कम है और ये अपनी जड़ों में पानी बचा कर रखते हैं, ठीक है। ये भी इनके पेड़ों की एक खासियत होती है, तो ये इस तरीके से सर्वाइव करते हैं, ठीक है, इन पेड़ों की खासियत है। तो स्पिन जो होती है, जो होती है इसमें, ठीक है, जो कांटेदार होते हैं, जो चुभने वाले, जो आपको देखे नुकीले आपको पत्ते दिखाई देंगे इनके, ज्यादा चौड़े पत्ते नहीं होते, वाइड नहीं होते, तो ये होते हैं वाटर लॉस को बचाने के लिए। फेमस इसमें ट्रीज कौन से हैं, फेमस प्लांट्स शर्ब्स जो भी होते हैं वेजिटेशन, वो कौन सा, कैक्टस, एयर, बबूल, ठीक है, कीकड़, कीकड़ का झाड़ जैसे हम बोलते हैं, ये सब इसके इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ मिलता है, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स में, गुजरात में। ये कैमल वगैरह बताया हुआ है, आप समझ सकते हैं। अब हम माउंटेन्स की बात कर लें, माउंटेन वेजिटेशन हमारा क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज है यहाँ पर, ठीक है, फाउंड इन माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पर कम से कम 1500 की हाइट पर पहाड़ों पे जो ट्रीज मिलते हैं वो मिलते हैं यहाँ पर, उसी को हम माउंटेन वेजिटेशन बोलते हैं। यहाँ टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है हाइट पर, आपको पता ही, मैंने पहले बताया था, हाइट पे कम होती, ठीक है, ठंड ज्यादा होती है, ठीक है। तो 2500 मीटर मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कोनिकल इन शेप, ठीक है, कोनिकल इन शेप होते हैं। ये भी पहाड़ों के कारण इनका इवोल्यूशन ऐसा बना है ताकि इन पे बर्फ ज्यादा ना टिक पाए, जब वो स्नो गिरती है ना, मैं आपको डिटेल में 11th क्लास की बताऊंगा, तो ये ज्यादा इस पे जम ना पाए और गिर जाए, ठीक है। तो आप जब भी पेड़ देखेंगे वहां पर तो ये ज्यादातर आपको नुकीले पेड़ मिलेंगे वहां पर, ठीक है, आपको कोनिकल शेप के पेड़ मिलेंगे जो आप देख पा रहे हैं, जैसे अपना क्रिसमस ट्री होता है उस टाइप के पेड़ आपको मिलेंगे, ठीक है। चिर हो गए, पाइन हो गया, डियोदार हो गया, ये इंपॉर्टेंट ट्रीज है इस फॉरेस्ट में। मैनग्रोव क्या होता है, फॉरेस्ट होते हैं जो कि सलाइन वाटर में, सलाइन क्यों होगा भाई, मैंने आपको बताया था ओशियन और सी के किनारे होंगे तो क्या होता है, वहां तो सॉल्टी वाटर होता है, वहीं पर ही उगेंगे, तो ये सलाइन वाटर में उग जाते हैं। सुंदरबन मैंने आपको बताया, सुंदरबन जो हमारा डेल्टा है वहां पर ये बहुत ज्यादा है मात्रा में, ठीक है। और कहाँ होंगे, आप एक लॉजिक से याद रखिए, जो कोस्टल एरिया है हमारा ये वहां पर होंगे, तो कोस्टल एरिया जहां पर ओशियन मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार में मिलेगा, ठीक है। सुंदरी इज वेल नोन स्पीसीज ऑफ ट्री इन मैनग्रोव, सुंदरी ये याद रखिए, सुंदरी क्या है, मैनग्रोव की एक स्पीसीज है, ठीक है। और जो फॉरेस्ट है इन विच सुंदरबन हैज बी नेम्ड, सुंदरबन जो इसका नाम रखा है वो इस सुंदरी के ऊपर से ही रखा गया है, क्योंकि सुंदरी स्पीशीज मिलती है वहां पे, इसलिए सुंदरबन कहते हैं उसे, ठीक है। ये सब बातें नहीं करेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि लीला करकर है, लीला एक बच्ची है, उसके जो पेरेंट्स हैं उसने कहा है कि अपने हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाया करो, दैट इज वेरी गुड, ये सब आपको ही पता है कि हमें जो है पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए, हमारे फॉरेस्ट को बचा के रखना चाहिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात कर रहा है, ठीक है। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी है, आप जानते हैं जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं O2, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस में लेते हैं, मतलब वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब CO2 हमारा कम होगा ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ऑक्सीजन हमें लेने के लिए काम आती है, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये ऑक्सीजन बनाते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद बात है, इसलिए नेसेसरी है। जो प्लांट्स की जड़ होती है, आप देख सकते हैं जैसे ट्री है, जो उसकी जड़ें फैली रहती है, इसका कारण क्या है, जो सॉइल होता ना यहाँ का, ये सॉइल को बाइंड करके रखती है, बांध के रखती है, ठीक है। तो जब ये सॉइल को बांध के रखती है फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि आपका जो सॉइल इरोजन होता है, कि सॉइल बहकर निकल जाए कहीं पर, वो नहीं होने देता, ये कंट्रोल करती है सॉइल इरोजन को, ये अपरदन को कंट्रोल करती है। फॉरेस्ट हमको और भी बहुत सारी चीजें दे देता है, आपको फर्नीचर के लिए वुड देता है, मैंने बताया था शीशम, और भी है, फ्यूल देता है, वुड मिलता है, फोडर मतलब जानवरों के लिए चारा मिलता है, ठीक है।
मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, आपको पता ही है हमारे होम्योपैथी की दवाइयाँ, हमारे आयुर्वेदिक की दवाइयाँ सब हमारे मेडिसिनल प्लांट से ही बनती हैं। हर्ब्स, लाख क्या होता है, लाख से जो चूड़ियां वगैरह बनती हैं, लाख के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो जो पेड़ों पे क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ठीक है ना, इंसेक्ट इसको बनाते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं, तो ये जो डालें होती है, जो ब्रांचेस होती है, उस पर ऐसा ऐसा लिपटा रहता है, उसको निकाला जाता है, प्योरीफाई किया जाता है और उससे बहुत ही सुंदर चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि एक हमारी चूड़ियां होती हैं, कभी आप अपनी मदर से, सिस्टर से पूछिएगा, उनको ये चीज पता होती है, लाख की चूड़ियां बड़ी फेमस है, ठीक है। तो लाख होता है, पेड़ों से मिल जाता है ये भी, हनी सबको पता है, शहद और गम, गोंद जो है वो भी मिल जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें हमको देती हैं। आगे इस पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखा, ये बता रहा है कि हमको फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, फॉरेस्ट को काटना नहीं चाहिए, इसी कारण से एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाता है, वन महोत्सव, ठीक है, जिसमें बोला जाता है कि सबको पेड़ लगाने चाहिए और फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता, लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, गाइज अब हम वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ की जब हम बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ में हमारे सभी प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो सभी वाइल्ड लाइफ में आ जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं हमारे, ठीक है, वो सभी आ जाते हैं। देखिए, वन हॉर्न राइनोसोरस एक काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है, ठीक है ना, आपके नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, असम, ये एलिफेंट्स भी मिलते हैं वहां पर, टाइगर ये जो हैं आपको, ये सबसे बेहतरीन टाइगर जो हमारे यहाँ मिलते हैं वो सुंदरबन डेल्टा में मिलते हैं, ठीक है ना, सुंदरबंस में मिलते हैं टाइगर्स, ठीक है, गिर में एशियाटिक मिलते हैं, गिर में एशियाटिक लायंस मिलते हैं, ठीक है ना, बब्बर शेर, ठीक है। तो ये हम वाइल्ड लाइफ की उनकी बात करेंगे, तो ये बता रहा है कि जो फॉरेस्ट है वो वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स होते हैं वो उनका घर है, वाइल्ड मतलब जंगली और लाइफ मतलब जिनमें जान होती है, तो जंगली जानवरों की हम बात कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट जो है इनका घर होता है, हजारों स्पीशीज हैं, देर आर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स में कौन आता है, स्नेक्स, ठीक है, स्नेक्स हो गया, ठीक है, हमारी लिजार्ड हो गई, लिजार्ड हो गई, ये सब जो है ये रेप्टाइल्स में आते हैं। एम्फीबियंस में हमारे फ्रॉग आ जाता है, ठीक है, और मैमल्स में हमारी डॉल्फिन, फिशेस, ठीक है, डॉल्फिन नहीं सॉरी, डॉल्फिन आती है हमारी, माय मिस्टेक, ठीक है, डॉल्फिन आती है, एलिफेंट्स हो गए, टाइगर्स हो गए, ये सभी जो बड़े जानवर हैं मैमल्स में आ जाते हैं। बर्ड्स के बारे में आपको पता ही है, इंसेक्ट यू ऑल नो, ठीक है, ड्वेल इन द फॉरेस्ट, वॉर्म्स वगैरह ड्वेल इन द फॉरेस्ट, दैट मीन्स ये जितने भी हैं ये सब ड्वेल, ये अपना घर बनाकर और फॉरेस्ट में रहते हैं, यही बोल रहा है। आगे बताया जा रहा है कि टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल है, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, ठीक है, गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, वहां पर एशियाटिक लायन मिलते हैं, एशियाटिक लायन मैंने आपको बताया बब्बर शेर जिनके बाल होते हैं ना, और एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोसोरस, ठीक है, गेंडा, ये कहां पर, आसाम के जंगलों में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे आपको बताएंगे एलिफेंट जो है साउथ में केरला और कर्नाटका में बहुत मिल जाते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा, और राजस्थान तरफ आपको कैमल्स मिल जाएंगे ग्रेट डेजर्ट में, ठीक है, यहाँ की एक फेमस स्पीशीज है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एग्जाम्पल आ चुका है, ठीक है, वो चिड़िया है, रन ऑफ कच्छ में भी मिल जाती है, डेजर्ट एरिया कैमल्स मिल जाते हैं, ठीक है, और हमारी गोट हो गई, स्नो लेपर्ड हो गया, ये सब कहाँ मिलेंगे, स्नो लेपर्ड से समझ में आ रहा है कि बर्फ के एरिया की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हिमालय पर, ठीक है, हिमालय पर मिलते हैं ये, ठीक है। बिसाइड्स दीज और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, मंकी हो गया, बुल, जैक, नील गाय जो होती है एमपी यूपी में पाई जाती है, चीतल, ये काफी पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम नेशनल बर्ड की बात करें, पिकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है, ठीक है, और भी बहुत सारी हमारे बर्ड होती है, मैना, गीज, बुलबुल, डक, ये सब हमारे यहाँ पाई जाती है, ठीक है, ये यही बोलता है, इनका नेचुरल हैबिटाट है, इनके लिए सेंचुरीज बनाई जाती है। सेंचुरीज क्या होती है, ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कि केवल बर्ड्स के लिए बनाया गया है, वहां पर बर्ड्स रहती हैं और ज्यादा डेवलप होती है, वहां पर उनको कम से कम उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि इनकी हंटिंग ना हो पाए, यहाँ पर वो ब्रीड कर पाए और आगे बढ़ पाए, ठीक है ना। तो सेंचुरीज बनाई जाती हैं इनके लिए, नेचुरल हैबिटेट्स बनाए जाते हैं रहने के लिए, ताकि ये लोग यहाँ पर रह पाए। आगे हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें आप देख पाते हैं, स्नेक्स की बात करें, दो फेमस स्नेक्स हैं हमारे यहाँ, कोबरा और क्रेट, यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ये सब बायोस्फीयर रिजर्व डेवलप किए जाते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। नेशनल पार्क का मैं आपको बताऊं तो नेशनल पार्क क्या होता है, रिजर्व एरिया होता है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड होता है, ठीक है ना,
गवर्नमेंट ओन्ड होता है, यहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती, यहाँ पर इंसानों का ऐसे जाना हस्तक्षेप है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकते, आप यहाँ के पेड़ नहीं काट सकते, जानवर नहीं मार सकते, जानवरों के पास जा नहीं सकते, ये नेशनल पार्क है, ठीक है, रिजर्व्ड एरिया होता है, रिजर्व्ड एरिया है, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट ओन्ड होता है, गवर्नमेंट यहाँ पर जो है पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करती है। फिर सेंचुरीज होती है, मैंने आपको बताया बर्ड्स के लिए, ठीक है, बर्ड्स और बाकी भी एनिमल्स इसमें रहते हैं, लेकिन बर्ड्स के लिए मेनली इसको सिक्योर किया जाता है, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने आपको बताया बायोस्फीयर रिजर्व में, बायोस्फीयर का मतलब ही ये था जहां लैंड वाटर वगैरह सब कुछ होता है, यहाँ इंसान भी होते हैं, लेकिन एक एरिया बनाया जाता है इस तरीके का जहां पर रिसोर्सेस का, एनिमल हो, वाइल्ड लाइफ हो, रिसोर्सेस को कंजर्व किया जाता है, ठीक है, एक ऐसी जगह बनाई जाती है, उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन का आना अलाउड है, लेकिन इसको एक्सप्लॉइट करना अलाउड नहीं है, ठीक है, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। अब हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर इसी को ध्यान में रखते हुए कि हमारे टाइगर्स को बचाना है, एलिफेंट्स को बचाना है, इनके लिए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट निकाला गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में बनाया गया था, ठीक है, ये बनाए जाते हैं ताकि इनको फाइनेंशियल, फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया जा सके, ठीक है, इनको सपोर्ट दिया जा सके। ये हमारा जो है 1973 में इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, ठीक है, ये इंदिरा गांधी ने हमारा शुरू किया था, और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, ठीक है ना। अब ये पूछ रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के कुछ नाम बता दीजिए, तो आप बता देंगे, एक भगवान महावीर सेंचुरी है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, गोवा में है, बहुत ही फेमस, ठीक है, एक डांडली सेंचुरी है कर्नाटका में, एक भद्रा है हमारी कहाँ पर, कर्नाटका में है वो भी, ठीक है, तो इस तरीके सेंचुरीज हैं, आप और ज्यादा देख लीजिएगा, जब मैं आपको मैपिंग करूंगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स ये बता रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, रिफ्यूज कर देना चाहिए लोगों को जो लोग बोन्स की, फर की और एनिमल स्किन से कपड़े बनाते हैं या कोई भी चीज बनाते हैं, उस चीज को लेने से, खरीदने से, बनाने से मना कर देना चाहिए ताकि हमारा एनिमल किंगडम बच जाए, ठीक है। आगे मैं बर्ड्स की बात करूं, उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ठीक है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओनली 6 मंथ्स आर रिमेनिंग, ये बैच शुरू किया गया है अन अकेडमी द्वारा, ये बैच शुरू किया गया है, ठीक है, ये हमारे कोर्सेज हैं, हमारा बैच शुरू किया गया है 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स आर रिमेनिंग, यूपीएससी 2021, ठीक है, जो कि 27 तारीख को है गाइस, 27 जून को ये हमारा पेपर है, काउंटडाउन स्टार्टेड, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को 6 महीने हैं, इसी में कोर्स भी कवर करना है, मेंस का भी कुछ चीजें कवर करनी है, प्री की भी चीजें कवर करनी है, और रिविजन भी साथ में चाहिए आपको, ठीक है, तो आप भीड़ से अलग खड़े हो सके, 10 लाख लोग हर साल एग्जाम देते हैं, ठीक है, उसमें से प्रीलिम्स कितना निकाल पाते हैं आप देख पा रहे, प्रीलिम्स कितने, 45% जो है पीपल वो प्रीलिम्स देने आते हैं, ठीक है, मेंस जो है 1.30% ही दे पाते हैं, और उसमें से इंटरव्यू तक पहुंचने वाले इतने होते हैं, और जो सिलेक्ट होते हैं गाइस वो कितने होते हैं, 0.0, मतलब 1% भी रेशो नहीं है, तो आप इसकी सीरियसनेस और टफनेस समझ सकते हैं एग्जाम की, कि आपको फोकस्ड स्टडीज की जरूरत है, ठीक है, आपको भटकने का, ढूंढने का टाइम नहीं है कि आप कुछ यहां से पढ़ लें, कुछ थोड़ा वहां से कर लें, तो अन अकेडमी इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू, ठीक है, यहाँ पर हिंदी बायलिंगुअल बैचेस सभी बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के लोग हैं, ठीक है, मृणाल सर हैं यहाँ पर, मृणाल पटेल सर हैं, रोमन सेनी सर हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको इतने सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे, एग्जाम दिया जाएगा, ठीक है, ये बैचेस शुरू हो रहे हैं बायलिंगुअल 15 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएंगे, डाउट क्लियर होगा लगातार आपका, ठीक है, और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, ये बायलिंगुअल बैच है जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताई जाएंगी क्लासेस, ठीक है, इसमें क्लासेस बताई जाएंगी, इसमें हमारे मृणाल पटेल सर आप देख सकते हैं इस बैच में रहेंगे, ठीक है, आगे दीपांशु सिंह हैं, ये आपको जो है करंट कवर करवाते हैं, ये आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, ये हमारे मृणाल पटेल सर हैं, ये इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े मास्टर हैं, आपको पता होगा इकोनॉमिक्स इनसे बेस्ट कोई नहीं पढ़ाता इंडिया में, तो जरूर जाइए और अपने कोर्सेज यहाँ जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए और एक बार में एग्जाम निकालिए, ये हिंदी का बैच है, ये इंग्लिश प्योर बैच है, ठीक है ना, हर प्रकार के आपको यहाँ बैचेस बना दिए गए हैं 6 मंथ के कोर्स के हिसाब से,
14 दिसंबर से स्टार्टेड है। और गाइज आप ये सोचें कि आपको ये केवल प्री के लिए है, तो ऐसा नहीं है। एक बार आपने एक कोर्स ले लिया, अगर आपने 12 मंथ का कोर्स लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन तक लेके जाया जाएगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको करवाई जाएगी, ठीक है ना। आपको कहीं से कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये कोर्सेज हैं, आपको इनको अप्लाई करना है। आप ये कोर्सेज ऐसे मत ले लीजिएगा, ठीक है ना। आपको कोई सी भी फीस देनी हो, कोई सा भी एग्जाम लेना हो, VSS10 ये कोड है, एक कूपन कोड समझ लीजिए, VSS10, यहां पर आप इसको लगाएंगे और अनअकैडमी पे अगर आप इसको लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके लगभग 8 से 10 हजार रुपए गाइज बच जाएंगे, ठीक है, जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे। अनअकैडमी का कोर्स लेने के लिए VSS10 कोड लगाइए, 10% डिस्काउंट लीजिए और अपनी प्रिपरेशन पूरी फुल फ्लो में तैयारी शुरू कर दीजिए। ये हमारे कोर्स फीस है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं 12 मंथ्स की 72,000 है, पर ये फीस पे मत कर देना। यहाँ पर बीच में एक कोड है VSS10, ये लगाओगे और यहाँ देख लीजिए आपकी फीस यहाँ कम हो गई, 10% डिस्काउंट लगाने के बाद 64,000 हो गई है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं आपके कितने यहाँ से पैसे बच जाएंगे। या सेम फॉर आपका 12 मंथ का कोर्स, कोई से भी मंथ का कोर्स लेंगे आप, 10% डिस्काउंट के लिए VSS10 लगाइए, 10% डिस्काउंट लीजिए और अपनी फुल फ्लेजेड तैयारी शुरू कर दीजिए। तो थैंक यू गाइज, यही मैं आपको बताना चाहता था, 10% डिस्काउंट ले लीजिए, ठीक है ना। मैंने आपको कोड बता दिया है, आगे हम अपना चैप्टर खत्म कर लेते हैं। यह लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में कुछ बताया गया है, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो कुछ हमारी फेमस बर्ड्स हैं, कुछ फेमस बहुत अच्छी बर्ड्स हैं। पिनटेल बर्ड है ये। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती है, जो माइग्रेट होके जो कहीं और की रहने वाली है पर सीजन टू सीजन माइग्रेट होके वहां से उड़कर यहाँ पर कुछ समय के लिए आ जाती है, और जब वहां अनुकूल कंडीशन हो जाती है, जब वहां इनके लिए फेवरेबल क्लाइमेट हो जाता है, तो उड़ के वहां चली जाती है, ठीक है। तो करल्यू है, फ्लेमिंगो आप सभी जानते हैं, ठीक है ना, ऑस्प्रे है, ये सब जो बर्ड्स हैं। स्मॉलेस्ट अगर माइग्रेटरी बर्ड की बात करी जाए तो ये जानने की चीज है, लिटिल स्टिंग वेइंग जो है, ठीक है, लिटिल स्टिंग वेइंग ये जो है 15 ग्राम की बर्ड होती है। ये 8,000 किलोमीटर चलकर आती है आर्टिक रीजन से इंडिया तक, ठीक है, इस रीजन से माइग्रेट होती आती है यहाँ पर कुछ समय के लिए। आप सोच सकते हैं कितने किलोमीटर ट्रेवल करती है जब जाके आती है। तो ये हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है, सेंचुरीज बनी हुई है। चलिए अब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है विच विंड ब्रिंग्स रेनफॉल टू इंडिया, आप सब बता देंगे, साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड होती है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, सिंपल सी बात है सर, एग्रीकल्चर हमारा इसी पे डिपेंडेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सीजन्स, 4 सीजन्स बता देंगे आप, विंटर समर स्प्रिंग ऑटम, ठीक है। फिर उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है आप बता देंगे, नेचुरल वेजिटेशन आपको पता ही है, जितने भी हमारी शर्ब्स हर्ब्स होती हैं, ठीक है, हमारे छोटे से लेकर बड़े कैनोपी तक जो ट्रीज बनाते हैं, जो कि नेचुरली फॉर्म होते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया, आप बता देंगे, जितने हमारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं आप इसको बता देंगे, ठीक है ना। 4 टाइप के फॉरेस्ट आपको बताए गए थे, तो आप इनको बता देंगे। माउंटेन में इस टाइप के होते हैं, कोस्टल एरियाज में मैनग्रोव्स होते हैं, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर लेंगे, डेसिडियस की बात कर लेंगे, ठीक है, आप बता देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट, आप बता देंगे। इनकी एक टाइम पर ईयर में पत्तियां झड़ जाती हैं, ठीक है, इनकी पत्तियां पीली भी हो जाती है, पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पूरे समय ग्रीन रहता है, ठीक है। फिर आप इसकी डेंसिटी की बात कर लेंगे, डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, इसकी डेंसिटी उतनी नहीं होती, कम होती है, ठीक, इस तरीके से आप ये सॉल्व करेंगे। आगे हम इसकी बात करें, वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल कहां पर ऑकर होती है, मोहसिनराम में होती है, मेघालय में। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहां पर आते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट सलाइन वाटर में ही कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। महोगनी और रोजवुड की बात करी जाए तो गाइज आप ही लोग बताइए, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, बताइए, मैनग्रोव में तो नहीं होता, ठीक है, आगे आप इन दोनों में से बताइए कि किसमें होता है, कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा, ठीक है। आगे गोट और स्नो की बात करी जाए तो स्नो मैंने आपको बताया, जैसे ही आएगा आपको हिमालय याद आ जाएगा, हिमालय रीजन में स्नो लेपर्ड वगैरह ये होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम, साउथ वेस्ट मानसून में विंड कहां से कहां जाती है, मैंने आपको बताया था अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से
मॉइस्चर उठा के लैंड की तरफ जाती है, तो सी2 लैंड जाती है। ठीक है, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लें, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हॉट और ड्राई विंड की बात कर रहे हैं। कौन सी हॉट और ड्राई विंड? होती है हमारी लू। ठीक है, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव्स ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, किस सीजन में होती है? ऑटम में। कि क्यों? रिट्रीटिंग रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून होता है इस समय, है ना। फिर ये क्या है, डैश फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ, गिर के जंगलों का, और कौन से लायंस होते हैं? एशियाटिक लायंस। डैश इज अ वेल नोन स्पीशीज ऑफ मैंग्रोव्स, कौन सी? सुंदरी, इसी के नाम पर क्या रखा गया है, सुंदरबन। डैश इज कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट, कौन सा होता आप बताइए, मॉनसून फॉरेस्ट हमारा कौन सा कहलाता है? ये मैं आपके लिए फिर छोड़ देता हूँ, आप बताइएगा मुझे, उसमें बताइएगा कि मॉनसून फॉरेस्ट हमारे कौन से कहलाते हैं। ठीक है ना, मॉनसून फॉरेस्ट आपको पता है जो हमारे, मैं आपको हिंट भी नहीं देता हूँ, आप खुद ही बताइएगा। ठीक है ना, ये आपके लिए है कि मॉनसून पे जो हमारे डिपेंडेंट रहते हैं, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, वो कहाँ पर होते हैं, वो हमें बताइएगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हमारा 8th चैप्टर सर एंड मैम खत्म हो चुका है, ऐसे ही हमारी क्लास 6th एनसीईआरटी इज ओवर, आगे हम 7th क्लास की एनसीईआरटी शुरू कर देंगे। ठीक है, 7th क्लास की एनसीईआरटी शुरू होगी हमारी, तो 7th क्लास की हम एनसीईआरटी आगे शुरू करेंगे। इस पे मैं आपको कुछ दिनों में समरी बना के ला दूंगा, 2 से 3 घंटे की, जिसमें आपकी पूरी बुक कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए ला दूंगा, तो आपको रिविजन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो विद दिस, इट्स अ रैप ऑन आवर सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।